लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेता जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक दीपक जोशी बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर पर रिश्वतखोर होने का आरोप लगाया है। एक बस स्टॉप पे 1 लाख रुपए मिलता है हमको, पता नहीं बता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सेंटर विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है। साठ बता, मैं भी नहीं मिली थोड़ा बहुत, मैं सही बता, मैं झूठी बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। दीपक जोशी ने बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर पर रिश्वतखोर होने का आरोप लगाने के लिए खुद का उदाहरण दे दिया। उनका यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। एक बस स्टॉप पे 1 लाख रुपए मिलता है हमको, पता नहीं बता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सेंटर विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है। साठ बता, मैं भी नहीं मिली थोड़ा बहुत, मैं सही बता, मैं झूठी बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। और ये रोडमल जी को अच्छे जरूर फोन पहचानता। हम भी राजगढ़ के चुनाव में आए थे, तब के रोडमल जी और आज के रोडमल जी में जमीन आसमान का अंतर। 14 में जब सांसद बन गए तो रोडमल जी ऐसे लग रहे साला में तो सांप बन गया। उन्होंने बताया कि बस स्टॉप बनवाने के लिए कमीशन मिलता है, मैंने भी लिया है। दरअसल राजगढ़ सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह अपने प्रचार में दिन रात दर्जनों गांवों में नुक्कड़ सभा के साथ ज्यादा आबादी वाली जगह पर आम सभा भी करते हैं। इसी बीच कल शनिवार को नरसिंहगढ़ विधानसभा में तलेन में दिग्विजय सिंह की आम सभा में दीपक जोशी भी पहुंचे थे। यहाँ अपने भाषण के दौरान वह रोडमल नागर पर रिश्वतखोर होने का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खुद के ही रिश्वतखोर होने का उदाहरण दे दिया।